हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, 26 रुपये का डिविडेंड किया था डिक्लेयर लास्ट ईयर यानी कि 2018 में, अब 2019 आ गया है, 270 रुपये का शेयर है और फिर कर सकता है डिविडेंड डिक्लेयर। अगर इसकी पास्ट हिस्ट्री आप डिविडेंड की देखोगे तो मार्च में अक्सर ये डिविडेंड डिक्लेयर किया करता है और आज की डेट जो है 3 मार्च 2019 है। तो हम चलिए बात करते हैं शेयर के बारे में, कौन सा शेयर है ये और इतना ज़बरदस्त डिविडेंड और इतना बढ़िया ग्रोथ वाला शेयर है ये, और उन सब के बारे में जानते हैं छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप नए व्यूअर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो ये देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अगर आप देखें, जिंक की दुनिया का एक मेजर बादशाह है और साथ में डिविडेंड की दुनिया का भी बहुत बड़ा बादशाह है। देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत, यानी कि 1,12,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन, करंट प्राइस 270 का है। अगर आप बुक वैल्यू देखोगे तो 95.63 का बुक वैल्यू है, पी रेशियो 13 का है, डिविडेंड यील्ड देखिए 3.02%, मतलब अपने आप में ज़बरदस्त है। इस स्टॉक में खास बात ये है, ये इतना अच्छा डिविडेंड देने के साथ साथ ग्रोथ भी इसमें बहुत बढ़िया है। 14% का सेल्स ग्रोथ इसमें है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32%, रिटर्न ऑन इक्विटी 26%, और मेन बात, सबसे मेन बात है, ये स्टॉक डेट फ्री स्टॉक है। डेट फ्री स्टॉक, ये देखिए, अर्निंग पर शेयर 20 रुपये का और जीरो डेट की कंपनी। पीईजी रेशियो जो होता है ना, पीजी रेशियो जो होता है कि आगे की एक्सपेक्टेशन के प्रॉफिट के हिसाब से कितना है, तो वो देखिए, ये है 1.68। इंट्रिंजिक वैल्यू अगर आप इसकी देखोगे तो 539 है। तो अब प्रमोटर होल्डिंग बहुत बढ़िया, 65% के अराउंड है। अब आप मेन चीज़ ये चीज़ देख के चौंकोगे कि इस शेयर का जो मेजर जो प्रमोटर है वो वेदांता लिमिटेड है। मतलब ये वेदांता की कंपनी है। वेदांता का नाम तो आपने सुना होगा भाई, माइनिंग एंड मिनरल की टॉप की कंपनी। तो वेदांता लिमिटेड ही इसका मेन प्रमोटर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का मिक्सचर है। इसीलिए ग्रोथ भी दिख रहा है और डिविडेंड भी दिख रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट वाली सारी कंपनीज अगर आप देखोगे, मेजर कंपनी, सब बढ़िया डिविडेंड देती है। अब ये देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग, बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स, बहुत सारे FII सब ने इसमें इन्वेस्ट करके, और एक एक्सीलेंट क्वालिटी का शेयर ये माना जाता है। लेकिन आपको प्रॉफिट ये तब देगा जब आपने इसको सही टाइम पे बाई किया होता है। अब देखिए, कितने सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, बहुत सारे म्यूचुअल, चाहे वो ABSL इक्विटी फंड्स हो, आपके बड़ौदा पायनियर फंड, BNP, DHFL के बहुत सारे फंड्स हैं, HDFC के फंड्स हैं, तो सब ने इसमें भर भर के इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और दूसरी चीज़, अगर मैं आपको इसका डिविडेंड दिखाऊं, जो मैंने कहा था अभी 26 रुपये का डिविडेंड दिया था 2018 में, तो 6 रुपये का डिविडेंड इसने मार्च में अनाउंस किया था, और दूसरा जो डिविडेंड था वो अनाउंसमेंट देखिए 20 रुपये का डिविडेंड इसने अक्टूबर में अनाउंस किया था। अब आप 2017 का पैटर्न देखिए, मार्च में इसने 27 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया था, अपने आप में ज़बरदस्त डिविडेंड था, और अक्टूबर में कम किया था। और 2017 के बाद अगर आप 2016 भी देखो, तो 2016 में ज़बरदस्त डिविडेंड मार्च में अनाउंस किया था। तो ये कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है मार्च में, देखिए, और अक्टूबर में कम किया था, तो कभी अक्टूबर में ज़्यादा करता है, कभी मार्च में करता है। तो इस तरीके से इसका ट्रेंड चला रहा है, और हर साल मार्च और अप्रैल में तो ये डिविडेंड डिक्लेयर किया ही करता है। ये देख लीजिए आप, इधर मार्च और अप्रैल, तो आपने ये चीज़ें देखी होंगी। और हिंदुस्तान एक बार बोनस दिया था इसने 2001 में, दिया था 1:1 बोनस, उसके बाद बोनस दे दिया। अब मैं टेक्निकल्स पर जाता हूँ, देखिए टेक्निकल्स में आपको स्टॉक को देखिए कितना बढ़िया जा रहा है। ये एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव ट्रेंड लाइन इसकी दिख रही है, जो 3 लोअर बॉटम्स, आप जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो इस तरीके से देखिए, इन बॉटम्स को आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए इन पे, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की रिट्रेसमेंट छोड़ के, तो देखिए बढ़िया ये ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। उसके बाद इसने एक 2015 के बाद एक अलग सी एक दूसरी ट्रेंड लाइन, फास्ट ट्रेंड लाइन पर काम कर लिया, बिल्कुल फास्ट ट्रेंड लाइन हो गई, जो कि अभी 2018 में वो ट्रेंड लाइन टूटी और स्टॉक नीचे गिरा। सेकेंड टाइम टूट के जब नीचे गिरा और फिर वहाँ पे बाउंस बैक हुआ, तो उस ट्रेंड लाइन ने इसका एक रेजिस्टेंस का काम किया, स्टॉक उससे ऊपर नहीं जा पाया, उसी ट्रेंड लाइन से नीचे आया। और इस बार अब ये देखिए, अब मैं पिछले 6 महीने का आपको ग्राफ दिखाता हूँ, तो ये देखिए, ये स्टॉक ने जो वापस बाउंस बैक किया है, तो और ये जो बिल्कुल यहाँ पे हमने एक सपोर्ट की रेंज पहले भी इसके वीडियोस बनाए थे, तो एक रेंज बनाई थी कि 230 से 240-245 के अराउंड की एक रेंज थी, 10-15 रुपए की रेंज थी, कि यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलने के चांसेस रहेंगे। तो स्टॉक ने जो बाउंस बैक किया, यहाँ पे सपोर्ट मिला और वहाँ से वापस बाउंस बैक किया। अब क्या ट्रेंड में रिवर्सल आ रहा है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे इसको ट्रेंड, ये पॉजिटिव तब होगा, आपको चांसेस ज़्यादा होंगे तभी ये
ये लाइन थी, 260 की लाइन थी, अगर इसको क्रॉस कर लेगा तो इसका मतलब था कि यहाँ से बहुत बढ़िया पॉजिटिव यहाँ पे आने वाला है। तो वही यहाँ पे हुआ, जैसे इसने क्रॉस किया इसको अभी 270 की रेंज में चली गई। मतलब ये देखिए आप, ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसका रिवर्सल इसने कन्फर्म किया है। दो चीज़ों ने कन्फर्म किया, एक तो इसने रेजिस्टेंस तोड़ा एंड द सेकेंड थिंग इज़ जो ये डाउन ट्रेंड की लाइन थी इसको इसने तोड़ दिया, जो कि बहुत टाइम से तोड़ नहीं पा रहा था। तो ये इन दो चीज़ों ने इसका एक पॉजिटिव यहाँ पे कन्फर्मेशन दी है। अब मार्च में अगर रिजल्ट अच्छा, डिविडेंड अनाउंसमेंट अगर होती है तो यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। ऑल दो देखिए नेट प्रॉफिट बहुत बढ़िया तरीके से इसने शो किया है, और क्वार्टरली अगर हम नेट प्रॉफिट शो करें तो देखिए पिछले दिसंबर क्वार्टर में बढ़िया नेट प्रॉफिट दिया है। इसका मतलब अगर डिविडेंड डिक्लेयर यहाँ पे करता है तो बढ़िया डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि काफ़ी टॉप डिविडेंड पेइंग शेयर है ये, मैं कहूँगा, और अच्छा ग्रोथ वाला शेयर भी है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप भी शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।